पुराने जमाने की खूबसूरत हीरोइनों की जब भी बात आती है तो बहुत से हीरोइनों के चेहरे आंखों के आगे घूमने लगते हैं। रेखा, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, ऐसे ही कुछ नाम हैं। इसी के साथ एक और चेहरा जो आंखों के सामने आ जाता है वो है रीना रॉय का, जिसे अगर हम बॉलीवुड की पहली नागिन गर्ल कहेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन जितनी सुंदर रीना रॉय रही, किस्मत उतनी ही दुखों से भरी। पहले बचपन में गरीबी, फिर प्यार में धोखा मिला, पति ने भी साथ नहीं दिया और एक वक्त बेटी के लिए भी उन्हें काफी तरसना पड़ा। रीना रॉय आज भी बेहद अकेलेपन वाली जिंदगी बिता रही हैं। अब तो उनका लुक भी काफी बदल चुका है, पहले से वो काफी हेल्दी हो चुकी हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प और दर्द भरे किस्से हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। पहला तूफान उनकी जिंदगी में तब आया जब रीना रॉय के माँ बाप अलग हो गए थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रीना रॉय का असली नाम सायरा अली था। दरअसल रीना की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उनकी माँ का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली था और दोनों के चार बच्चे हुए। लेकिन जब दोनों का तलाक हुआ तो शारदा ने अपने चारों बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया। रीना की माँ ने नाम तो उन्हें रूपा दिया था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो रूपा से रीना बन गई। इस तरह वो सायरा से रूपा और रूपा से रीना बनी। घर में गरीबी थी, इसलिए रीना ने फिल्मों में आने से पहले क्लब में डांसर का काम शुरू किया। क्लब में डांस करते दौरान ही उस समय की फेमस फिल्मकार बी.आर. इशारा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर किया। रीना को जरूरत थी, इसलिए रीना ने तुरंत हाँ भर दी। दरअसल बी.आर. इशारा अपनी फिल्म जरूरत में कुछ ऐसे सीन देने के लिए किसी ऐसी हीरोइन की तलाश में थे जिसके लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी, लेकिन रीना को पैसे और काम की जरूरत थी तो उन्होंने वो सीन दिए भी। बस तभी से लोग उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से भी जानने लगे। उनकी जिंदगी में एक मोड़ वो आया जब उनकी लाइफ में 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई। फिल्म कालीचरण के दौरान दोनों मिले और दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि फिल्मी गलियारों में उनके अफेयर के चर्चे होने लगे। उनका रिश्ता भी काफी लंबा चला, लेकिन 7 साल के लंबे अफेयर के बाद दोनों मिल नहीं पाए। खबरें थी कि दोनों जल्दी शादी करेंगे, लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। शत्रुघ्न को पूनम एक सफर के दौरान मिली थी और दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया था और दोनों ने शादी का फैसला किया। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके साथ जो हुआ उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए रीना ने शत्रुघ्न से दूरियां बनाई और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी कर ली। तब रीना और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और रीना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई। शादी के कुछ साल दोनों ही बहुत अच्छे से गुजरे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा, लेकिन ये शादी टूट गई। साल 1990 में रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया। रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना का करियर भी बर्बाद कर दिया था। हालांकि रीना ने वापसी की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। साल 2000 में वो फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी। वहीं बेटी जन्नत को पाने के लिए रीना कोशिशें करती रही। कहा जाता है कि इस काम के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनकी मदद की थी। बाद में मोहसिन ने तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी थी और वो आखिरकार मुंबई में अपनी माँ के साथ आकर रहने लगी। अपनी माँ की तरह रीना ने भी अपनी बेटी का नाम बदल दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जन्नत से सनम कर दिया। रीना भले ही मुंबई में रहती हैं, लेकिन वो बहुत कम माया नगरी के इवेंट्स में शामिल होती हैं। रीना के पास फिल्में भी नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर रीना और सनम कैसे घर चला रही हैं? तो बता दें कि रीना अपनी बेटी के साथ मिलकर एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और वो अपने भाई बहनों से भी मिलती रहती हैं। लेकिन बॉलीवुड नगरी से उन्होंने दूरियां बना ली हैं, या यूं कहें कि अब लाइमलाइट उनको चाहिए ही नहीं। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने पूरी जिंदगी खुशियां पाने के लिए जद्दोजहद की, फिर चाहे वो पिता का हो, प्रेमी का हो या पति का प्यार हो, आखिर में बेटी को पाने के लिए भी उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन हार नहीं मानी। आपको रीना रॉय की लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।